क्या होगा? नोनू की पट्टी आ गई। मैं फास्ट फूड खा खा के पटने जा रही हूँ। हट जा, बैठ जा। धूप लगी रही है तेज, पर हवा इससे भी ज्यादा सुरसुरी चल रही है। वो देखो सामने पेड़ हिल रहा है ना, क्या मस्त तरीके से। ये देखो ये वाला पेड़ भी वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा पर हिल रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और अभी हेलो दोस्तों हमारा गया हुआ है घूमने छोटा नोनू। और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा मेरा नाम है जतिन अक्का जीतू और अक्का दोनों के पापा जी, कि ये वीडियो जो होने वाली है ये इसके अंदर दो तीन जगह की कई सारी मिक्सअप है, क्योंकि हम घूमने गए हुए थे बाहर, घर में साले की शादी भी थी और दूसरा फिर मैं लैपटॉप ले जाना भूल गया था। तो बहुत सारे लोग मतलब मैं अब ज़्यादा नहीं बना रहा, उसको एक साथ ही कंबाइन करूँगा छोटे से व्लॉग के अंदर। दूसरी बात ये कि हम जस्ट अभी अभी रिटर्न हुए, मतलब कि कल रात ही वापस आए हैं, आज संडे। तो ये देखो ये पूरा का पूरा सामान यहाँ पे पूरा फैला पड़ा है, सारा सामान यहाँ पे। शादी की शॉपिंग नहीं करी थी, घूमने निकल गए थे, जगह जगह से हमने शॉपिंग करी, थोड़ा मेरठ से भी करा। फिर दूसरी चीज़ ये, जब शादी हुई जिस दिन शादी का दिन था उस दिन यहीं से घर से गए थे, और मैं अपना और नोनू का जो सूट था हमारा वो दोनों का यहीं भूल गया था। तो वो भी बड़ा किस्सा हुआ, कुछ जगह पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, याद नहीं रहा। जैसे शॉपिंग जब हमने करी थी, काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली, बहुत तगड़ा खर्चा हो गया था यार इस बार। शादी का बात करूँ तो शादी में बस छोटा मोटा डांस का ही रिकॉर्ड हुआ, ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा बिजी से हो रहे थे, तो इस वजह से नहीं कर पाए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। और हाँ, मैं जो मेरे पूरा अपडेट था ये शादी वादी का सब कुछ वगैरह, ये मैं डाल रहा था कंटिन्यूसली इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक बायो में है, यहाँ पे स्क्रीन में अगर मेरा डायरेक्शन सही है तो इधर की तरफ मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है? आप देख लेना, चेकआउट करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो हमारे व्लॉग की स्टार्ट होती है जिस दिन हमें रुड़की निकलना था। तो अब यहाँ से आप वहाँ पे कंटिन्यू करिए और देखिए, इंजॉय कीजिए। नोनू की पोटी आ गई है, उसके बाबा उसको लेके जा रहे हैं पोटी के लिए। क्या हुआ, पोटी आ गई? चले भाई चले आओ। चलो तो भाई अब हम चल रहे हैं, अब हम निकल रहे हैं रुड़की के लिए। बहुत जल्दी से रुड़की के लिए निकलते हैं, क्योंकि टाइम हो गया ज़्यादा है, समय हो रहा है अभी देखो तो 4 बज रहे हैं। नोनू तैयार है? ठीक है चलो। नहीं आप यहीं रहोगी, आपको नहीं लेके जाऊँगा मैं। नहीं आप नहीं जाओगी, ऐसा करने से गुस्सा करने से क्या होगा? नहीं नहीं यहाँ 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 कुछ नहीं, आप यहीं रहो, घर पे रहो। चलो अच्छा, बाय बाय। चलो जी भैया, फाइनली अभी हम लोग जो सिटी का ट्रैफिक है उसे छोड़ के अब हाईवे पे एंटर करने वाले हैं। हर बार कंफ्यूज होता है मेरे को, हरिद्वार सीधा है ना, तो सीधा लेके चले हम। तो ये आ गए जी, हम चढ़ गए हाईवे पे। अभी ये कहीं जो है घुमा ना दे, कहीं यहीं से घुमा के जो फिर वापस उधर दिल्ली वाले रास्ते पे, वैसे हरिद्वार ही लिखा हुआ था इस पर। भैया अभी रुके हैं सीएनजी फिलिंग के लिए, पेट्रोल तो हमने भरा लिया था, सोचा कि सीएनजी भी भरा लेते तो सीएनजी में थोड़ा सस्ते में काम चल जाता, सस्ते में। चलो भाई सीएनजी भरवा ली हमने, सीएनजी भरवा के हम सेट हो गए। 560 रुपये में टैंक फुल हो गया, 8 केजी से थोड़ी सी ज़्यादा आ गई है, और क्या चाहिए। हम अभी यहाँ पे रुके हैं ढाबे पे चाय पीने की, मेरी चाय पीने की बड़ी इच्छा हो रही है। सुबह घर से चलते वक्त भी नहीं पी पाया था चाय, तो थोड़ी अब थकान सी आँखों के अंदर महसूस हो रही थी, तो सोचा कि जय पी लेते हैं चाय पी लेते हैं। नोनू चिप्स विप्स खा लेगा। ये आ गई भाई हमारी कुल्हड़ वाली चाय, बस चाय एकदम गर्मा गर्म। तो मैंने 500 रुपये का नोट दिया काउंटर पे रखने के लिए, उसको बिल पैसे देने के लिए, नहीं मेरे पास 10-10 के कुछ पड़े थे और इन्होंने 10-10 के 100 रुपये का भी लाया था, मतलब 100 रुपये के लगभग। तो मैं उसने कहा कि भैया खुली दे दो, और इतनी देर में इन्होंने जो है बड़ी तेज़ी से हाथ साफ करते हुए 500 का नोट तो अपनी जेब में रख लिया, इनके लिए पकड़ 40 रुपये।
फास्ट फूड खा खा के पटने जा रही हूँ, तो एक दिन मैं पट जाऊंगी। तो भाई अभी घर आ गए थे, घर से अब आए थे हम थोड़ा मार्केट की तरफ, कि थोड़ा कुछ बाहर फास्ट फूड वगैरह खा लेंगे। और मार्केट दिखा देता हूँ यहाँ का, मोदी नगर से मेरे को बहुत सही लगता है यहाँ का यार रुड़की का ना मार्केट, पूरी की पूरी मतलब हम सबसे लास्ट कोने में देहरादून फास्ट फूड के नाम से है ये, उसका सबसे बढ़िया रहता है। और हम कोने में बैठे हैं, पूरा मार्केट ये पूरा का पूरा खाने पीने का है यहाँ पे। हेलो दोस्तों, लाइक करें, वेलकम करें। क्या करने आए हो ये तो बताओ। मैं खाना खाने आया हूँ यहाँ। देखो दोनों ने खाए थे गोलगप्पे, और मैंने और नोनू ने पिया था टोमेटो सूप, और अब मंगाया है हमने मैक्रोनी और स्प्रिंग रोल। मोमोज खाने की बड़ी इच्छा थी क्योंकि रुड़की के बहुत बढ़िया मिलता है, पर मिले नहीं, खत्म हो गया। ये रे भाई मैक्रोनी, और ये रे स्प्रिंग रोल। हम इन पे सबर नहीं हुआ, हम आते साथ टूट पड़े, भूख लग रही थी बड़ी कैडी वाली। हाँ देखो ये खाना है। अच्छा, और बस ये सारी मछली, और एक मछली होती है ये खतरनाक सी, ये चिपकी हुई, इसका नाम चिंकी है। देखो ये टट्टी खाती रहती है चिंकी चिंकी। हाँ इसे वो आ रहा है, समझ में आ रहा है इसे, चिंकी देख पा। मिंकी, मिंकी। हाँ। मैं चिंकी हूँ, मैं मिंकी हूँ, चिंकी मिंकी हूँ। तेरे से डर नहीं है, मैं इनका भयानक आत्मा कौन आ गई है। आज का सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ मेरठ अपने साले की शादी में, तो आज वहाँ जाना है। अभी नोनू हो चुका है तैयार बिल्कुल। हाँ भाई दिखाओ, हो गए तैयार? ठीक है। और कुकू और सताक्षी वहीं पर है, उस सगाई वाले दिन ही रह गए थे वहाँ पे। सगाई वाले दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं शूट नहीं कर पाया था कुछ भी, और अभी बस 5 मिनट फटाफट से तैयार होते हैं, फिर निकलना है हमें मेरठ। चलो तो भैया हो गए हम तैयार, जैकेट वैकेट डाल के मस्त एकदम से चलो। अब लाओ तो भैया आपको एक चीज़ दिखाते हैं, तो हमने भी अपनी गाड़ी में ब्लूटूथ वाला सिस्टम कर लिया। ये मेरा ब्लूटूथ पड़ा हुआ था पुराना सैमसंग वाला, तो इसको मैंने ईयरफोन की इसमें ऑक्स केबल में लगा दी, और अब सारे गाने इससे बजेंगे, तो अब आएगा मजा। बीड़ू बाय मम्मी, बाय बाबू। चलो चले बच्चे, चलो तो चलो। हाँ क्या कह रहे हो आप कि बड़ी गाड़ी ले लूँ? माता रानी से कहो कि पापा का काम चलवा दो। आपका काम तो शुरू हो गया। बच्चे देखो आजकल के कितने एडवांस, कि जय पापा बड़ी गाड़ी ले लो। मैंने कहा कि भैया माता रानी से कहो कि जय काम चलवा दे मेरा, तो जब हम बड़ी गाड़ी भी ले लेंगे। तो कहता है कि काम करोगे जब तभी तो मिलेगी बड़ी गाड़ी। हसदे चेहरे का मतलब यह नहीं होंगे कि उन्होंने कहीं कोई तकलीफ नहीं होंगी, मतलब यह होंगे कि इन्होंने तकलीफा नाल डील करना होंगे। कहते दिल्ली का ट्रैफिक बड़ा खतरनाक है, भैया आओ गदी मेरठ आओ तब पता चलेगा। गाड़ी होनी चाहिए तो ऐसी जैसे ऑटो वाले हैं, लोहा लाठ गाड़ी लग रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अभी बाल बाल बचाता गया है जो इस रिक्शा वाले के सामने जो ऑटो वाला है, अगर लग जाते तो आलू सा छिल जाता हमारी गाड़ी का, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, कुछ भी नहीं। बेटा आपको याद आई थी पापा की, बहुत ज्यादा पा कर दो पापा को भी। इसे वे बहन से मिल ले, वो है ले भाई के पास भेज जा, भेज जा बैठ जा भाई के पास। सताक्षी घर चले, अब घर चले, नाना के पास नहीं रहना, क्यों घर चलना है? है चल तो चलो चलो आओ चलो आ जा बाहर। क्या हो रहा है इसको क्या बोलते पहले ये बताओ, ये क्या कर रहे हैं पंडित जी? बताया था ना पापा ने आपको हवन, हवन हवन हाँ, हवन किस लिए करते हैं हम? किसके लिए? शुद्धि के लिए, शुद्धि के लिए। हाँ ठीक है, अलग अलग वो होता है कि सबको जय सुख समृद्धि दे भगवान श्री हरि, है ना? चलो जी क्या करें, क्या दो? अबे बाबा नहीं है मम्मी के पास जा सबसे पहले। पहले माता जी से
सबसे ले लिया। अब ये जाएगा सन्नी कहाँ पे? ये जा रहा है रूट के, घर से रूट के जा रहा है। कुकू अभी से रोकेगी। अरे कहाँ जा रहे हो साले साहब? संन्यास ले रहे हो? सुंदर सी दुल्हन दिलाएंगे, चल मान जा मान जा। बड़ी जल्दी मान गया दुल्हन के नाम से। कर दो ना, फ्री का आइटम है, ज़्यादा मैं